नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और मैं आज रात के अंधेरे में वीडियो शूट कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा था कि साल में कौन सी रात सबसे पवित्र मानी गई है और क्यों मानी गई है। वैसे तो सारी रात एक जैसी होती है, लेकिन कुछ रातों में एक अलग सी कशिश होती है, एक अलग सा एहसास होता है। उनमें से कुछ चुनिंदा रातें हैं, जैसे आपकी गुरु पर्व पे है तो ना, गुरु पूर्णिमा, ये आपको दिवाली के बाद जो मनाते हैं, जब गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, वो रात भी बहुत पवित्र रात होती है। लेकिन मैं जिस रात की बात कर रहा हूँ वो रात है आपकी शरद पूर्णिमा। आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है, आज शरद पूर्णिमा है। और उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये क्यों सबसे पवित्र रात मानी गई है। आज जैसे इसका नाम है शरद पूर्णिमा, तो आज से ही मतलब कि शरद ऋतु का आगमन चालू हो जाता है और सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगता है। ये जो है बहुत पवित्र रात है और ऐसी मान्यताएं हैं, इसमें बहुत सी मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि आज की रात में जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से सुशोभित होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं, आपको मैं चंद्रमा के दर्शन करा देता हूं, तो इससे आप एहसास हो जाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कैसा दिख रहा है और वास्तव में क्यों आज की रात सबसे पवित्र रात मानी गई है। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है और वो देखिए चांद अपनी पूरी शबाब पे है, वो 16 कलाओं से सुशोभित है आज का चांद, और इसलिए आज की रात सबसे पवित्र रात मानी गई है। और इधर देखिए, ये एलिवेटेड रोड है हमारे यहाँ का और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और मैं इसी में ही वीडियो बना रहा हूँ और फिर आपको मैं एक बार चांद के दर्शन कराता हूँ, फिर आगे की वीडियो बताऊँगा। देखिए पूरी तरह से सुशोभित है और वीडियो में तो आपको बहुत कम इसका एहसास हो रहा होगा, लेकिन मैं अपनी खुली आँखों से जो देख रहा हूँ, चंद्रमा बिल्कुल गोल और अपनी पूरी चांदनी बिखेरे हुए है। और आज जैसे शरद पूर्णिमा है तो आज से जो है मौसम थोड़ा ठंडा होता हुआ चला जाएगा, शरद ऋतु की आगमन हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आज चंद्रमा जो है 16 कलाओं से सुशोभित होता है, उसमें चांदनी बहुत अधिक मात्रा में होती है। और सबसे बड़ी बात ऐसी मान्यता है कि आज चंद्रमा जो है अमृत बरसाता है, तो ये वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। मैं जैसा आप सभी को बताता हूँ कि हमारा हर पर्व, हमारा हर त्यौहार वैज्ञानिक रूप से खड़ा उतरता है, और आज का जो चंद्रमा है ये वैज्ञानिक रूप से बड़ा मतलब प्रमाणित है कि ये वास्तव में अमृत बरसाता है। तो इसमें ऐसी मान्यता है कि हमारे दादी, हमारी जो चाची माँ मम्मी जो है, उस दिन खीर बनाती थी जिसमें मेवा मिष्ठान काफ़ी अच्छी मात्रा में डली होती थी। तो आज मैंने भी अपनी घरवालों से बोलकर, मतलब वाइफ ने खीर बनाई है, जो मैंने उसमें चीनी नहीं डाली है, लेकिन उसकी जगह मैंने गुड़ डलवाया है और उसमें मेवा मिष्ठान जैसे आपका खजूर, बादाम, किशमिश, छुआरे और काजू आदि चीज़ें मैंने डलवाई है। और मैं उसको पूरी रात चंद्रमा के पास में मतलब रखूँगा, वैसे मतलब उसको टांग के रखूँगा और पूरी तरह से कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, कोई उसे पंछी या कोई ऐसी चीज़ डिस्टर्ब ना करे, उसको चलनी से ऊपर से ढक दूँगा। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, मतलब आज के दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था और वो आज जो है धरती पर विचरण करने आती हैं और अपने भक्तों को वो सौभाग्य और समृद्ध आदि चीज़ों का प्रदान करती हैं।
इसलिए हमें आज के दिन जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे मैं पूजा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा मन में अटूट विश्वास है, तो मैं अपने मन से जो है उनको पूजा करता हूँ। मुझे दिखावे में मज़ा नहीं आता है, और तो मैं आज इसी कड़ी में जो है वीडियो बना रहा हूँ। और आज के दिन बहुत सी रस्में होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो रस्म होती है कि खीर को मतलब कि चंद्रमा के ऐसी जगह रखना जहाँ चंद्रमा की किरणें सीधी उसके पास उसके ऊपर पड़ती हो। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने खीर जो बनवाई है वो कैसी है। दोस्तों ये देखिए, खीर गुड़ की खीर है, तो थोड़ी सी जो है ना पीलापन लिए हुए है। इसमें मैंने चीनी नहीं डलवाई है। चीनी वास्तव में खाने के लिए बनी ही नहीं गई है, वो तो बहुत आप जब उसको बनता हुआ प्रोसेस देखोगे ना तो आप उसे खाओगे नहीं। तो ये देखिए गुड़ की और देखिए खीर है, और वो देखिए मैं चन्नी लाया हूँ, उसको मैं इस तरह से ढकूँगा ये देखिए, और इसको मैं टांगने की व्यवस्था करूँगा। तो पहले मैं टांग लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा। दोस्तों ये देखिए तार है, और ये खुले आसमान के नीचे है, तो इस तार पे मैं ऐसा लटकाने की मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं कलावा भी लाया हूँ, और ये टेप लाया हूँ। तो मैं इससे पहले अपने इसको सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लटकाते हुए आपको दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए, अब मैंने ये इसको लटका दिया है, और मैं एक और चीज़ करूँगा, और इस पर देखिए सीधी जो है रोशनी ठंडी पर पड़ रही है, और सीधी रोशनी जो है खीर पे आएगी। और देखिए ये मैंने काम कर दिया है, अब मैं एक काम और करूँगा, अब आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा स्टैंड है, और ये ट्राइपॉड है मेरा, और मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ। ये जो है मैंने इस तरह से लगा दिया है, तो इस पर ये टिका हुआ है, और मैंने हिला के देखा है तो भी ये सही है। बाकी देखते हैं, सुबह मैं 4:30-4 बजे उठ जाता हूँ, तो ब्रह्मा मुहूर्त में आके देखूँगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है, देखिए प्राकृतिक है और कुछ भी हो सकता है, ये गिर भी सकती है या किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह देखी जाएगी। तो आशा है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो जानकारी दी है आपको, तो इसको जो है पवित्र रात की कहा जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा में 16 कलाओं का समावेश होता है आज के दिन, और आज के दिन चंद्रमा की जो अमृत बरसाता है, चांदनी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से कारण हैं, ठीक है ना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।